भंडारा जिले के करड़ी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले बोरी गांव में 11 अगस्त को शाम 7 बजे के करीब मृतक तेजराम राउत गांव के ही दुकान में सामान लेने गया था, लेकिन कुछ समय बाद मृतक का लड़का फिरियादी विनोद को पता चला कि उसके पिताजी घर से 50 मीटर की दूरी पर रास्ते पर गिर पड़े हैं। उनको तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया है। पुलिस विभाग ने मृतक घटनास्थल जांच कर मर्ग दर्ज किया, लेकिन फिरियादी लड़के ने आरोप लगाया है कि पिताजी की दुर्घटना न होकर हत्या हुई है और पुलिस प्रशासन इस पर ढिलाई बरत रही है। ऐसे में पुलिस विभाग पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। इतने दिन बीत जाने के बाद भी कठोर कार्रवाई पुलिस विभाग की तरफ से नहीं की गई है। मिले सूत्रों के हवाले से बात सामने आ रही है कि लोकल क्राइम ब्रांच अब अपने अंडर में जांच कर रही है। किराणा घेऊन घरी येत असताना त्यांच्या डोक्याला जबर धडक लागली आणि ते रस्त्याच्या मधोमध पडले होते। गावातून मी घरी गाई म्हशी बांधत होते। गावातून एक मुलगा धावत आला, त्यांनी मला सांगितलं की हे वडील पडलेले आहेत म्हणून, तर आम्ही पोलिसांना गुन्हा दाखल करायला सांगितलं आणि हा काही ॲक्सिडेंट वगैरे काही आहे नाही, तर हा एक हत्येचं प्रकरण आहे। बीसीएन न्यूज के लिए भंडारा से सुरेंद्र चिंदालोरी की रिपोर्ट।